नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ईवीएम मशीन का। फ्रेंड्स, पिछले दिनों एक मामला चर्चा में आया था कि मुंबई का जो इलाका है, मुंबई उत्तर और पश्चिम मुंबई का जो सीट, लोकसभा सीट में सिर्फ 46 मत से जो है जीत हार हुई थी, जिसमें रविंद्र वायकर और अमोल कृतिकर का जो है आमना सामना था, जिसमें अमोल कृतिकर जो है दूसरी बार रिकाउंटिंग में 46 वोट से हार गए थे 48। इस मामले को जब जांच पड़ताल की गई है और इस मामले को थोड़ा सा सुर्खियों में लाया गया और इसमें ऐसा पता चला कि ईवीएम को हैक करके ओटीपी भेजकर जो है इसमें वोट बढ़ाया गया था, ऐसा आरोप शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी। ये मामला काफ़ी सुर्खियाँ बनी थी और ये मामले को हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी गई थी। अब ये मामला क्या इस समय है, क्योंकि मामला जो है उसके बाद सीधा ठंडे बस्ते में चला गया है, आखिर में इसके पीछे कारण क्या है, हम जानेंगे इसी विषय पर कि आखिर में ईवीएम का जो हैक करना, ओटीपी भेज कर वोट बढ़ाना, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक कैसे होता है, ये या होता भी है कि नहीं होता है। हमारे साथ में है नीलेश ओझा जी, जो हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है उन्होंने और इसकी जाँच पड़ताल भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नीलेश जी, क्या कहेंगे सर, ये जो मामला पूरा जो है उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट का ईवीएम हैक के बारे में, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, इस केस के संदर्भ में हमने अभी कंटेम्प्ट और परजुरी का पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में जी। उसमें आरोपी में ध्रुव राठी यूट्यूबर, राहुल गांधी, उसके बाद में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये सभी लोग और मिड डे न्यूज़पेपर के एडिटर, ये सभी लोग इसमें आरोपी है। अभी मामला क्या है मैं बता दूँ, इन्होंने एक कंप्लेंट, मतलब जो रिकाउंटिंग हुआ 48 वोट से रविंद्र वायकर जीत गए, उस बारे में एक कंप्लेंट दी गई एक शाह करके है, भरत भाई शाह, उनके ओर से कंप्लेंट दी गई कि जो रविंद्र वायकर है उनके जो रिश्तेदार है मंगेश पड्डीलकर, उनको वहाँ का जो इलेक्शन के वहाँ पर एक कर्मचारी था, तो वो एक दिनेश गुरव, उसने अपना मोबाइल दिया था और वो मोबाइल ईवीएम मशीन से कनेक्टेड था और वो उसमें वो ये कर रहे थे वो कर रहे, इस टाइप की एक उनकी कंप्लेंट थी। अब उसके ऊपर तहसीलदार की तरफ से एक FIR रजिस्टर की गई वन राय पुलिस स्टेशन में, तो वो जब FIR रजिस्टर हुई तो एक न्यूज़, इनका हमेशा का स्टाइल है जी, झूठी न्यूज़ पब्लिश करके लाने की, तो मिड डे में एक न्यूज़ पब्लिश करके ला ली है कि पुलिस ने बताया। अच्छा, न्यूज़ भी क्या, पुलिस ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया, ऐसा हमको पुलिस वाले बताया है कि वो फ़ोन जो था वो EVM से जुड़ा हुआ था और उस पर OTP आता था, OTP आने के बाद OTP वो मोबाइल पे आएगा, वो डालोगे तो वो मशीन का लॉक खुल जाएगा और उसमें अपने मन से जितने चाहो वोट घुसा दो और वोट बढ़ा दो, और ऐसा करके रविंद्र वायकर को जिताया गया। मिड डे में न्यूज़ आई, मेरे ख्याल से और लोकमत और एक जगह, हाँ सामना में न्यूज़ आई, सामने तो आएगा, आना ही है। यस, जैसी ये न्यूज़ पब्लिश हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट जारी किया कि ये न्यूज झूठी है, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया ही नहीं। एक फिर जो इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ के, जो डिप्टी कलेक्टर है वंदना सूर्यवंशी मैडम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, वो सब अवेलेबल है मीडिया जी, उन्होंने कहा कि EVM एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, वो उसमें कोई ऐसा वाईफाई या ब्लूटूथ या ऐसा कुछ होता नहीं है कनेक्शन उसका मोबाइल का, तो उसमें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब झूठी बात है, ऐसा उन्होंने कहा। अब पहले मिड डे ने तुरंत माफी मांग लिया, मिड डे ने कहा हमारी गलती हो गई, हमने ऐसी न्यूज पब्लिश की, माफी मांग लिया, लेकिन उसके पहले वो मिड डे के न्यूज को, बाकी को छोड़ दीजिए, अब ध्रुव राठी यूट्यूबर और राहुल गांधी, इन्होंने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्वीट करके सब जगह पब्लिक को बता दिया, देखो देखो EVM को मोबाइल से हैक किया, OTP ये वो सब कर दिया। अगर 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 कृतिकर जीत गया होते तो फिर EVM अच्छी है ना
नहीं वो ठीक है ना, वो विषय उसमें तो जाते हो। सीएम एकनाथ शिंदे जी ने भी वही सवाल पूछा ना कि जहां तुम जीते वहां ईवीएम अच्छी और जहां हारे वहां ईवीएम घोटाला, वो ठीक है। तो अभी आप राजनीति में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो क्या है कि ये जब मिड डे ने माफी मांगा, पुलिस का प्रेस नोट आया और इलेक्शन ऑफिसर का प्रेस नोट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ऐसे कंडीशन में जो ईमानदार रहेगा जी वो क्या करेगा मुझे बताइए। आपने यहाँ आज को न्यूज दिखा दिया, न्यूज दिखाने के बाद में मालूम पड़ा कि नहीं आपकी न्यूज गलत थी जी, तो आप ईमानदार रहोगे तो आप क्या करोगे, माफी मांगोगे कि सर मेरा गलती हो गया है, कि आई एपोलॉजी फॉर दैट। तो आप ऐसा माफीनामा प्रकाश करोगे जैसा मिड डे ने तो थोड़ा सा कर दिया, या तो फिर आप क्या करोगे प्रूफ दोगे कि ये पुलिस का कहना इस तरह से झूठा है, ये कलेक्ट इलेक्शन ऑफिसर का कहना इस तरह से झूठा है। तो ये दोनों ने किया ना जी। तो ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी। तो ये बौद्धिक बेईमानी ये साफ दिख रही है, और खास करके ध्रुव राठी की जी उसकी आदत है। मैं अभी ये पूरा ग्रुप का मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए लास्ट टाइम आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में एक न्यूज आई थी कि सीबीआई ने कहा कि दिशा सालियान के मर्डर में आदित्य ठाकरे का कोई हाथ नहीं है, वो जस्ट एक्सीडेंट था, वो सुसाइड भी नहीं था, वो पैर फिसल कर गिर गई थी, ऐसा न्यूज पब्लिश करा दिया शराब के नशे में। हाँ शराब के नशे में। आप जब ये न्यूज पब्लिश हो गई तो दूसरे दिन सीबीआई ने बोला कि अरे ऐसा हमने कभी न्यूज दिया ही नहीं है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी है, तब तक कॉमन मैन को गुमराह कर दो, और गुमराह करके वो बाद में का कौन सुनते बैठेगा। तो ये ऐसे इस तरह से हैबिचुअल है। और ये ध्रुव राठी जो है ना, ध्रुव राठी का काम है कि ये सुपारी बाज जिसको बोलते हैं, सुपारी लेकर एक न्यूज चलाने का। स्वाति मालीवाल का क्या, हमने सारे सबूत हाईकोर्ट में दिए है पिटीशन में। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनको जो पीटा गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, तो उस मामले में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया और वो क्या बोलता है, ये जो आम आदमी पार्टी विभव कुमार कह रहे हैं ना, सिर्फ उसी का पार्ट लेके बोला कि देखो वो तो कह रही, लेकिन देखो ये थोड़ा सा एक वीडियो दिखा दिया, इसमें तो अच्छी दिख रही है। तो मतलब क्या दिखाने का प्रयास कि स्वाति मालीवाल के आरोप झूठे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई, हाँ, और विभव कुमार सही है। अब उसका झूठ साबित कैसा हो गया, वो साबित हो गया कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट ने विभव कुमार का पुलिस कस्टडी दिया और आज भी जेल में है वो जी। तो अभी आप ये एक पार्ट हो गया, और ऐसा मान के चलिए कौन सही है कौन गलत है, तो फैसला जब आएगा सब सबूत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज ध्रुव राठी वन साइडेड न्यूज टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, टू इन्फ्लुएंस द सब जुडिस मैटर, ये जो कर रहा है वो हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है नीलेश नवलखा के केस के, जो इन लोगों ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ फाइल की थी पिटीशन सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो उसमें इन्होंने ऑर्डर लिया कि जब ये पेंडिंग है तो ऐसा प्रेजुडिशियल न्यूज नहीं चलाने का, और खुद वैसा ही चला रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट में कार्रवाई की जाए, सेक्शन 2B मतलब उस हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना, एक इंटरफेयरिंग द प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन को प्रिजुडाइज करने का, गवाह को गुमराह करने का, पब्लिक को गुमराह करने का, ये आता है सेक्शन 2C इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस, ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो इनको सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 6 महीने की जेल की सजा है, सजा का प्रावधान एक। दूसरा, उस झूठे सबूत तैयार करना और उसको सही बोलकर यूज करना, ये आईपीसी जो थे पुराने सेक्शन, अभी नए उसके सेक्शन बदल गए हैं, तो 191-192 में 7-7 साल की सजा का प्रावधान है। अब तीसरा, इन लोगों ने क्या किया, एफआईआर रजिस्टर करवाया है रविंद्र वायकर के रिलेटिव पे, और वो एक तहसील कर्मचारी है दिनेश गुरो पे, कौन से सेक्शन में, ये भी बहुत बड़ा जोक है, उन्होंने करवाया है आईपीसी 188 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आईपीसी 188 में तहसीलदार हो या कोई भी अधिकारी हो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, वो सेक्शन में सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। तो उसका भी इन्होंने अवमानना किया,
और जिसमें एफआईआर नहीं हो सकता था उसमें एफआईआर किया और ये माहौल बनाया अभी आरोपी अरेस्ट होंगे अभी ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ में पुलिस यंत्रणा का जो मिसयूज हुआ है उसके लिए वो होता है सेक्शन 409 पब्लिक के पैसे का पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग, उसमें आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा है। तो इनको 120B में कॉन्स्पिरेसी में इन सभी लोगों को उस मैटर में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया जाए करके हमने पिटीशन फाइल किया है कोर्ट में। तभी क्या स्टेटस है उस पिटीशन की? कल फाइल हुई है। अच्छा, और आज आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो क्या लगता है इसमें जो गोलमाल हुई है इसके अंदर 46 वोट का ही मामला है पूरा कि कुछ और है इसके अंदर? नहीं, वो मामला देखिए 48 वोट का, अरे सबसे बड़ा जोक अभी जनता खुद इस पे डिसीजन ले, जो 48 वोट से हारे हैं अमोल कीर्तिकर उन्होंने कोई पिटीशन फाइल नहीं किया है कोर्ट में। अभी सब उन्होंने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने कोई पिटीशन फाइल नहीं किए। क्यों नहीं फाइल किए? वो जो तीसरा आदमी है जिसको 1200 या 2000 वोट जो भी मिले हैं उन लोगों को, उस आदमी ने पिटीशन फाइल की है और वो जो पिटीशन फाइल की है उसमें झूठा एफिडेविट दिया है। तो वो पिटीशनर भारत शाह और उसका वकील एडवोकेट आसिम सरोदे दोनों को प्रोसिक्यूशन करने के लिए उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, कोर्ट से सच बात छुपा के रखी, पुलिस की प्रेस नोट, मिड डे का माफीनामा सब छुपा के रखा जी। तो और झूठा एफिडेविट दिया, तो इसलिए उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन के लिए एक पिटीशन हमने कल ही फाइल की। तो इसमें पार्टी में ध्रुव राठी भी है और जो नाम आ रहा है ध्रुव राठी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, मेरे ख्याल से अनिल परब का भी नाम है, नहीं लेकिन वो भी आरोपी बनते हैं इसमें क्योंकि वो भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे सब लोग हैं इसमें। एमएलए हर्षवर्धन यादव भी है, कुल मिला के देखा जाए तो हर्षवर्धन यादव नहीं, भास्कर यादव जी, ऐसे जो भी। तो कुल मिला के आपका जो लड़ाई है कि जो एक तरह से ईवीएम को जो ये लोग बदनाम कर रहे थे उसको आपने पकड़ा है पूरा? हाँ, मेरा बहुत सिंपल है, सुनिए। हाँ, राजेंद्र वायकर जी जीतकर, रविंद्र वायकर जी जीतकर आए या अमोल कीर्तिकर हार जाए उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जी। मेरा मतलब हमारी जो टीम है, हमारे टीम का इंटरेस्ट क्या है, लोगों को गुमराह मत करो। यस, तुम जो है ना आप सच बताओ और तुम लोग गुमराह करोगे और ऐसा गुमराह करके उस पर अपनी दुकानदारी चलाओगे तो ये नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर सिंह के मैटर में अब्राहम लिंकन का एक कोट मेंशन किया था, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। 10 आदमी मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकता है, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार 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 बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, स्ट्रिक्चर पास किया उन आरोपियों पे, पुलिस पे, कहा कि ये नहीं चलेगा। तो मैं, हमारा उद्देश्य वही है कि आप बार बार पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते ईवीएम के नाम पर खास। यस, धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि जो ईवीएम के मामले में जिस तरह से राहुल गांधी और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने जिस तरह से लोगों को सामने झूठ बोला और गुमराह किया कि ईवीएम को हैक करके ओटीपी के थ्रू जो है वोट बढ़ाया जा सकता है, और इस मामले में जो है हाईकोर्ट में पिटीशन भी दाखिल करवाया, तो इस मामले में हमारी चर्चा थी और इस पर हमने क्लियर कट कहा कि इस मामला ऐसा इस तरह का ईवीएम के थ्रू इस तरह का बात हो ही नहीं सकता। ये मामला साफ होने के बाद अब जो है साफ साफ हो गया है कि राहुल गांधी और ध्रुव राठी जिस तरह से यूट्यूबर को पूरा एक माहौल बनाए हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनका पर्दाफाश हो गया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।